क्या आप अल्ट्रासाउंड के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हो? अल्ट्रासाउंड मशीन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी कंडीशन में हमें लेना चाहिए और कौन कौन सी कंडीशन में हमें अल्ट्रासाउंड नहीं लेना चाहिए, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में हमें डॉक्टर डीनल अल्ट्रासाउंड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, ये मशीन की सर्किट है और ये ट्रांसड्यूसर हेड है जिसकी वजह से हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं। ट्रांसड्यूसर हेड में ये है मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट के तुरंत बाद अंदर की तरफ एक क्रिस्टल होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से ट्रांसड्यूसर हेड में आता है तब क्रिस्टल की साइज में चेंज होता है, जिसकी वजह से ये जो मेटल प्लेट है उसमें मूवमेंट होती है और उसकी वजह से अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होते हैं। अभी हम जान लेते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। जब ये बॉडी में अंदर जो इंजर्ड पार्ट होता है वहाँ पे जाते हैं तो वो माइल्ड हीट जनरेट करते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो दो तरीके से काम करते हैं। पहला काम, जो दर्द पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उसे रिमूव करते हैं। और दूसरा काम कि वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं और उसके साथ ही जो हीलिंग सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के उसको भी अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है, वो फास्ट हो जाती है। अभी जान लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी हम कौन सी कंडीशंस में दे सकते हैं। सबसे पहले मस्क्यूलर कंडीशन, अगर मसल्स में कोई फाइबर्स टियर हो गए हैं, जैसे कि गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, बैक पेन या फिर शोल्डर पेन में ऐसा होता है, उसमें ये थेरेपी बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके अलावा अगर मसल्स में स्पाजम हो गया है, जैसे कि ट्रेपेजाइटिस कंडीशन में होता है, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी ले सकते हो। इसके अलावा लिगमेंट इंजरी, जैसे कि एंकल स्प्रेन, इसमें भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा जॉइंट में कैल्सिफिकेशन फॉर्म होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा बोन फॉर्म होता है, जैसा शोल्डर में होता है जिसे फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, और जो हील में होता है जिसे कैल्केनियम स्पर बोलते हैं, उसमें भी अल्ट्रासाउंड थेरेपी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इसके बाद अगर आपको स्कार है, कोई ऑपरेशन या फिर कोई सर्जरी के बाद स्कार डेवलप हुआ है, तो क्या होता है, स्कार डेवलप होता है तो जो उसके टिश्यूज़ होते हैं वो एडहेर हो जाते हैं, तो जब ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी उसके साइड के टिश्यूज़ को हम देते हैं तो वहाँ के टिश्यूज़ रिलीज़ होते हैं और जिसकी वजह से जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस में आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी लेकर पेन रिलीफ कर सकते हो और अपनी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हो। अभी हम जान लेते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी हम कौन सी कंडीशंस में नहीं दे सकते हैं। जो ओपन वुंड होता है उस पर नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में भी जो लो बैक और पेल्विक का एरिया है उसमें नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई मैलिग्नेंट टिश्यू है, यानी कि कैंसर टिश्यू है, उस पर भी नहीं दे सकते। अगर आपको कोई सर्जरी करवाई है, स्पेशली रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई है, या फिर अगर फ्रैक्चर है और आपको रोड फिक्स किया हुआ है, स्क्रू डाला हुआ है, वायर है, तो वो एरिया में भी ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी नहीं दे सकते। अगर आपको पेसमेकर डाला हुआ है तो वो चेस्ट के एरिया में भी ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी नहीं ले सकते हैं। और ओवर बोन, यानी कि जो बोनी पार्ट होता है डायरेक्ट, जिसमें नीचे स्किन के नीचे डायरेक्ट बोन आता है, वहाँ पे भी आप नहीं ले सकते। सो ये सारी कंडीशंस में अल्ट्रासाउंड थेरेपी हम नहीं दे सकते, ये सारी कंडीशंस अल्ट्रासाउंड थेरेपी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अभी हम जान लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी किस तरह से देनी है। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए टेनिस एल्बो के लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से जेल यूज़ करनी है, इस तरीके से लेना है और फिर यहाँ पे लगाना है। इसको आप इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट में दे सकते हो, या फिर फिगर ऑफ एट की मूवमेंट में दे सकते हो, या फिर इस तरीके से स्पाइरल मूवमेंट में भी दे सकते हो। कई बार क्या होता है, कई लोग लॉन्ग एरिया के लिए देते हैं और उसकी वजह से उसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाती है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक एरिया, यानी कि जो फोकल एरिया होता है, उस पे ही देना है। अभी यहाँ पे हम जेल क्यों यूज़ करते हैं, तो जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ईजिली ट्रांसफ़र हो सके, इसीलिए हम ये जेल यूज़ करते हैं। अभी प्रेशर कितना देना है, अगर एक्यूट कंडीशन है और पेन बहुत ज़्यादा है तो आप लाइट प्रेशर दे सकते हो, और क्रोनिक कंडीशन है, पेन कम है, तो आप ज़्यादा प्रेशर दे के भी ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी ले सकते हो।
आप ये जेल के साथ पेन रिलीविंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, जिससे पेन रिलीविंग क्रीम के जो कंटेंट होते हैं पेन रिलीविंग, वो इजीली बॉडी में पास होते हैं, जिससे जल्दी से पेन रिलीफ होता है, जिसे फोनोफोरोसिस बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड थेरेपी आपको 8 से 15 मिनट तक देना है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो आप कम समय के लिए 5 से 10 मिनट तक ले सकते हो, और क्रोनिक कंडीशन है तो आप 10 से 15 मिनट तक इसे ले सकते हो। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड देना है। अभी आपको पता चल गया है कि कैसे अल्ट्रासाउंड देना है, तो अगर आप किसी भी फिजियो सेंटर में जाओगे तो आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में अल्ट्रासाउंड थेरेपी कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमने अल्ट्रासाउंड के बारे में पूरी जानकारी ले ली। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।